और एक बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग पिघल गया है, ज्यादा गर्मी की वजह से पिघल गया है शिवलिंग। सिर्फ 6 दिन में ही पिघला है शिवलिंग। 29 जून को शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा, आज बारिश की वजह से रुकी है यात्रा। प्रशासन का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर और ज्यादा तापमान के कारण बाबा बर्फानी के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो गई और सिर्फ 6 दिन में बर्फ का शिवलिंग पिघल गया। यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी जो कि 52 दिन चलेगी और 19 अगस्त को खत्म होगी। इस बीच शिवलिंग 6 दिन में ही पिघल गया है और भक्तों को कहीं ना कहीं इससे निराशा हाथ लग रही है। इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, ग्लोबल वार्मिंग की जो बात कही जाती है उसका सीधा सीधा असर यहां पर देखने को मिला है, किस तरह से 6 दिन में ही बाबा शिवलिंग, बाबा बर्फानी का जो है आकार पिघल गया है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो कश्मीर का तापमान जो है वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से ज्यादा है। यहाँ करीबन 36.6 तक टेम्परेचर चला गया। हालांकि बीती रात थोड़ी हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन इसका असर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पहाड़ी इलाकों में जरूर पड़ा है और बहुत कड़ाके की गर्मी जो है पिछले एक सप्ताह में देखने को मिली है। और इसी का असर जो है बाबा बर्फानी के गुफा पर भी पड़ा है, जहाँ पवित्र जो हिमलिंग बनते हैं प्राकृतिक रूप से, उस पर भी पड़ा है। और उसके बावजूद जो भक्तों की भीड़ है, जो रिकॉर्ड भीड़ इस बार अमरनाथ यात्रा में पहुंची है, उससे भी थोड़ी वार्मअप जो है जरूर हुई है। 1,51,000 अब तक 6 दिनों में यात्रा कर चुके हैं, तो ये एक रिकॉर्ड है अमरनाथ यात्रा के इतिहास में। खालिद, यात्रियों का रिकॉर्ड तो बना है, लेकिन अगर बात की जाए 6 दिन में बाबा बर्फानी की आकृति पिघलने की बात, तो इससे पहले ऐसा कब हुआ था, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें 2008 में इसी तरह की घटना हुई थी, जब कुछ ही दिनों में 4 या 5 दिन एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, 4 या 5 दिन में ये हिमलिंग जो है पवित्र हिमलिंग ये पिघल गए थे। उस वक्त क्या था कि जो चॉपर सर्विस थी वो बिल्कुल केयर के नीचे उतरती थी और उसकी वार्मअप से जो है वो पिघल गए थे बाबा बर्फानी। तो उससे काफी कंट्रोवर्सी भी उस दिन खड़ी हुई थी। और उसके बाद 2013 में भी एक बार पहले ही 10 दिन में पवित्र शिवलिंग जो है पिघल गए थे, लेकिन इस बार अगर हम बात करें 2024 की, तो फिर 6 दिन में जो है ये बाबा बर्फानी जो शिवलिंग है वो वहां पर पिघल गए हैं। और बेस जो है वो भी आइस का ही बनता है, वो भी इंटैक्ट है, लेकिन श्रद्धा में कभी नहीं होगी क्योंकि इस पवित्र गुफा से ही आस्था जुड़ी हुई है। लोग पवित्र गुफा हमने देखा है, जब 2013 में भी इस तरह की परिस्थिति हुई थी तब भी श्रद्धालु आते रहे थे, क्योंकि आस्था जो है इस गुफा से है, भगवान शिव माता पार्वती पुत्र गणेश के साथ। बिल्कुल, तो भले ही बाबा बर्फानी की आकृति वहां पर पिघल गई है भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से इस बार जम्मू कश्मीर में, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। बहुत शुक्रिया खालिद इस पूरी जानकारी के लिए। सीनियर